दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, मेरा नाम खलीलुल कदर है। मेरे दो भाई और एक बहन, मेरे वालिद जलीलुल कदर नाम है उनका। वो वकालत करते थे, ज़मींदार थे। पाकिस्तान जब बना 1947 में मेरी उम्र 17 साल थी। मेरे बड़े भाई तो उनका इंतकाल हो गया लाहौर में, पाकिस्तान में आके। बाटा के मैनेजर थे वो। पैदाइश बदायूं की है, ब्रह्मपुर मोहल्ला है, 1930 की है। मेरे दो भाई हैं, बड़े भाई का तो इंतकाल हो गया, वो बाटा में मैनेजर थे, और छोटा भाई जो इस्लामाबाद में है वो एयरफोर्स में था। और मेरी बहन की शादी अलीगढ़ में हुई थी, उनके दो बच्चे हैं। सब मिलजुल के रहते थे, बहुत अच्छा माहौल था हमारा वहाँ का। खेल कूद उस जमाने में खिलौने खेल तो कुछ होते नहीं थे, सब बगैर खिलौनों के खेला करते थे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये खेलते यहाँ पर। हम तो खेलते नहीं थे, ये राज खेलते उस वक्त के। तालीम हमारा अलीगढ़ के जो माहौल जो था उसके नतीजे में हमारा बना था। हाफिज़ सिद्दीक इस्लामिया इंटर कॉलेज था वहाँ पे। उसमें मैं 1941 में मैं 5th क्लास में दाखिल हुआ था। बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन हम लोग ज़मींदार थे, पढ़ाई उड़ाई से ज़्यादा हमें दिमाग में ही भरा हुआ था हमें कोई नौकरी थोड़ी करना है। तो ये तो अब बाद में समझ में आई ये बातें, तो अब हमारी नई दल पढ़ रही है, लिख रही है। अलीगढ़ में मेरी फूफी थी, वहाँ से हमें, मेरी बहन भी अलीगढ़ में ही शादी होकर गई थी, वहाँ पे पढ़ाई उड़ाई का था। फिर हम भी वहाँ पर अलीगढ़ गए, वहाँ से पढ़ा लिखा। लेकिन बदायूं में पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा माहौल नहीं था। हमारा एक मुलाजिम लड़का था, उससे हमारी तय हुई, एक पैसा उसके हाथ में था, एक पैसा हमारे हाथ में था। तो हमने कहा ऐसे फेंको, कौन फेंकता है? तो उसने तो फेंक दिया पैसा, मैंने नहीं फेंका, मैंने दीवार से मार दिया। उसकी तकलीफ मुझे आज तक है। ऐसे ही दूर फेंक देना था, ये तय मजाक में ये तय हुआ था, पैसा फेंको अपना। तो हम भी फेंकने को तैयार हुए, वो भी बेचारे ने तो फेंक दिया, मैंने नहीं फेंका। ये मेरी जाती थी। सिख तो नहीं था, हिंदू थे हमारे दोस्त। हमारे लाला बाके लाल हमारे वालिद के दोस्त थे, उनका बेटा मेरा क्लास फेलो था। ये हम पढ़ा करते थे,
बहुत अमन का शहर था, हमें कोई वहाँ पे वो नहीं थी, हिंदू भी थे सब थे। ये गजनफर हमारे दोस्त थे और तीन चार दोस्त थे, घूमने जाया करते थे, टहलने जाते थे, अच्छा वक्त गुजरता था वहाँ पे हमारा। मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, तो मेरे जो टीचर थे वो हाइजीन वगैरह पढ़ाते थे, तो वो अपने क्लास में मुझे हॉकी दे देते थे, क्या बाहर भेज देते थे कि जाओ प्रैक्टिस करो, तो वो हम किया करते थे। बाद को मैं हॉकी का कैप्टन भी बना वहाँ पर, बाद को बहुत 49-48 में तहरीक आज़ादी में हमारे बड़े भाई हमारे चचा जो थे सौतेले चचा थे, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। अब उनका इंतकाल हुआ है 95 ईयर्स एज में, तो ये करते थे। उन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी और उस पर उनका काम था, सुबह ही सुबह एक बोर्ड बाहर को पे लिख दिया करते थे, खबरें शॉर्ट खबरें क्या हैं वो लिखा करते थे, लाइब्रेरी को खूब सजा बजा के रखते थे। अब बहुत अखबार आया करते थे, ये जंग उसी ज़माने में ईजाद हुआ है, मीर खलीलुर्रहमान उसके मौजूद हैं, तो इन्हों दिल्ली में खुद जाके इन्होंने अपने अखबार की तहरीक चलाई है, जाके अखबार गली गली में वहाँ पर लिए फिरते थे। ये उसके जवाब में फिर ये अंजाम ही सामने आया, और ये RSS राष्ट्रीय सेवक संघ जिसने सब पूरी मुखालफत की है पाकिस्तान की, उनके अखबार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी हमारी लाइब्रेरी में रखा होता था, पावनियर होता था, बहुत पढ़ता था मैं रसाले, बहुत पढ़ता था मैं। असल में मेरे वालिद प्रेसिडेंट थे, सब हम काम किया करते थे वहाँ पे, लड़ना सीखा करते थे जाके, एक जगह प्रैक्टिस की लड़ाई हुई तो हम कैसे लड़ेंगे हिंदुओं से, तो ज़माने में तो चाकू और लाठी हुआ करती थी। यानी जब हमारे घर में एक बल्लम था, जब दफ़ा 144 लगाई गई तो वो बल्लम की नोक निकाल के ज़मीन में दफन कर दी गई थी। ये उनके लाश हुआ करते थे, ये वो करते थे, हम तो वहाँ नहीं जाते थे, हम बच्चा थे। वो तहरीक एक वाकया ये है कि एक तहरीक पास हुई, तो वो प्रेसिडेंट थे मेरे वाले, तो उसमें उन्होंने एक तहरीक पास हुई तो उस पर दस्तखत कर दिए, तो कलेक्टर को ये चीज़ बहुत नागवार हुई, तो कलेक्टर ने इनको बुलाया, तो कलेक्टर ने इनसे बुला के कहा कि आपने ये क्या तहरीक चलाई है। तो ये वालिद ने मुझे खुद बताया था, मैं वहाँ नहीं गया था, तो मैंने कहा कि सर मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, ये जो मेंबर थे मेजॉरिटी ने एक तहरीक को जमा की है, मैंने तो सिर्फ उस पर दस्तखत किए हैं। ये मेरे वालिद ने जवाब दिया था उनको, कलेक्टर को, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लेके रहेंगे, ये हमारा वहाँ पे था, पाकिस्तान लेके रहेंगे हम। खूब जज्बा था, खूब जाते थे, बाहर निकलते थे, शोर मचाते थे, कोई लंबे चौड़े वाक़यात नहीं होते थे, पुरअमन शहर था, कोई वहाँ पे नहीं था, हमारे हिंदुओं से भी अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये था कि लाइब्रेरी में हमारा मुस्लिम लीग का झंडा जाड़ा जाता था, लेकिन ये डिक्लेयर हो गया कि पाकिस्तान मंजूर हो गया तो हिंदुओं ने आगे फौरन झंडा नीचे उतरवा दिया। ये कहा था अभी आप नहीं झंडा लगा सकते। मैं अलीगढ़ चला गया था, तो ये सुनने में आया कि वहाँ पे जो वहाँ के लड़के बड़े लड़के थे जिनको गुंडों में कह लें या लड़ने वाले थे हिंदुओं के, उसकी उनमें लड़ाइयाँ होती थी, इनमें मारा मारी भी होती थी,
तो वो लोग पाकिस्तान भाग आए थे। हम शुरू में हर कोई पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि हम तो जमींदार थे, हमें नहीं पता था कि जायदादों का क्या होगा, हम तो वहीं रहेंगे। लेकिन बाद को ये तय हुआ कि जायदाद बंद ख़त्म बंद कर दी जाएंगी वहाँ पे, तो सब छोड़ छाड़ के हम आ गए। हमारे वहाँ पे हम तो सब इधर आ गए थे पाकिस्तान में, मेरे वालिद रह गए थे वहीं पर। तो वहाँ पे जब जायदादें जब्त हुई तो मुआवजा देना पड़ा, तो मुआवजा देना पड़ा तो उनके मेरे वालिद के एक भाई थे एक बहन थी, उनको हिस्सा मिल गया। तो इनकी जायदाद में इतनी आमदनी नहीं थी कि वो मुआवजा उनको गुजारा कर सकेंगे, तो वो सब वहाँ पर छोड़ के चले आए, फिर पाकिस्तान चले आए थे। हम लड़के सब पाकिस्तान आ गए। वालिद की कोई वो नहीं थी, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके हिंदुओं से भी ताल्लुकात थे, बहुत मकबूल शख्सियत थे वहाँ के वाले। तो जब वहाँ से सब जायदाद उदाद जब्त हो गई तो वो पाकिस्तान चले आए। मैं अलीगढ़ में था दाने में, तो वहीं पे हम सुना करते थे। लेकिन एक बात ये देखी मैंने कि पार्टीशन बंगाल का भी हुआ था, तो जब ईस्ट पाकिस्तान बना है वहाँ पे हिंदू भी रहते थे, और जो हिंदुओं का बंगाल था तो स्वरवर्दी जो थे वो बहुत बाद को पाकिस्तान आए हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अमन अमान कायम करने में, मुसलमानों को निकालने में, बचाने में रहे थे स्वरवर्दी साहब। तो ये वहाँ पे ऐसी नीवियत था, सारा जो बर्दाश्त किया मतलब पंजाब ने बर्दाश्त किया है पार्टीशन का। तो पंजाब का एक वाकया ये याद है, मेरी पोस्टिंग थी फोर्ट सैंडमन में जो जोब कहलाता है। तो मेरा एक दोस्त था हाशिम उसका नाम था, तो वो सुनाता था कि पार्टीशन सेकेंड वर्ल्ड वार में वो अपने घर से भाग के बॉम्बे आ गया था, और बॉम्बे में पार्टी हुआ करती थी अंग्रेज़ों की लड़कियों की ड्रामे की, तो वो ड्रामे किया करती थी उनकी जो फौज थी यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको तफरी कराती थी। तो ये लड़का बच्चा था तो ये इसको ये उनकी मेकअप किया करता था उन लड़कियों का। जब पाकिस्तान बन गया तो वो बॉम्बे में रहता था, तो वहाँ से चल के आया। जब ईस्ट पाकिस्तान पंजाब में दाखिल हुआ तो रेल में था तो पकड़ा गया, तो सिखों ने उठा के इसे बाहर फेंक दिया, तो बहुत मफलूज हो गया था। तब वो आया यहाँ पर, तो वो रेलवे में नौकर हो गया था, रेलवे में नौकर नहीं हुआ था, रेलवे का क्या कोई बड़ा अहदेदार था, अंग्रेज़ था, तो उसने इसकी सर्विस देखी थी कि ये कि ड्रामे की लड़कियों के मेकअप करता था, तो उसने रेलवे में नौकरी से दिला दी थी। तो वो फोर्ट सैंडमन में हमारे साथ रहा करता था, अब बहुत अपसेट सा रहता था। वो रेल के ज़रिए आया था वहाँ से, बदायूं से मैं आगरा आया था, चश्मा छीन लिया हिंदुओं ने मेरा, तो इस तरह से मैं आया था। यहाँ से पैदल चलना था, पैदल चल के मैं खोखरा पार पहुँचा था, उसका नाम मोना बाउद था। तो वहाँ पे खोखरा पार में जब हम पहुँचे, जिस रोज पहुँचना था रेल जा चुकी थी, तो एक हफ्ते तक हम खोखरा पार में पड़े रहे। तो मुझे शौक़ था बांसुरी उसरी बजाने का, तो मैं वहाँ पे लेटे लेटे बांसुरी बजाता था, तो लोग मेरे बहुत फैन हो गए थे, तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। एक कमरा था जिसमें उनका वहाँ का कोई रहता था, वो वहाँ का महल कहलाता था, उसने अपने कमरे में मुझे रखा था, बड़े आराम से मैंने गुजारा था वहाँ पे। जब मैं रास्ते में आ रहे थे पैदल, तो एक साहब ने मुझे अपनी वो दे दी पानी से भरी हुई क्या सुराई दे दी। अच्छा सुराई दे दी तो मैं उसे लेके आ रहा था, बहुत लंबा सफ़र था आने का,
पानी पीते होते आ रहे थे तो उसमें खुड़ 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 आवाज़ होने लगी। तो मैंने लड़के से पूछा, ये क्या है? इतने क्या चुप के चुप चुप इतने देवर हैं, सब कुछ है। वो मेरे वालिद के मामूजाद भाई का घर था गार्डन ईस्ट में, उनके बेटे आफ्ताब अहमद था सुरवर्दी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके सब अहदेदार थे। उनका उनकी बहन का लड़का फौज में था, वो क्या नाम है उसका, बहुत बड़ा अहदेदार था वो। उनके यहाँ मैं ठहरा था, लेकिन मैं वहाँ महीना भर ही रहा। वो बड़ी जगह थी, उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर में मुझे रखा था। तो फिर मैं वहाँ से चला आया, वहाँ से मैं मुल्तान चला गया। मेरे चचा थे, उनसे मैं करीब बहुत था, तो वहाँ पे रहा, वहाँ भी दिल नहीं लगा। फिर अखबार में मैंने ऐड देखा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो मैं कराची आ गया, यहाँ अप्लाई किया। तो मैं महकमा मौसमियात में मैं नौकर हो गया। वहाँ से मेरी पोस्टिंग इन्होंने फोर्ट सैंडमन की करी, तो वहाँ पे 4 साल रहा। वहाँ से आने के बाद यहाँ मैं एयरपोर्ट पे रहता था। भाई हमें तो पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा था, हिंदुस्तान तो हमें ग़ुलामी का याद आती थी यहाँ पे। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हम तो बड़े खुश आए थे, पाकिस्तान में खुशी से बनाया था, सब कुछ था। हालांकि ना घर था ना बाहर था, शुरू में हमारे पास एक एक पैसा नहीं था, दोस्तों से पैसे लेके करते थे सब कुछ, लेकिन खुश थी हमारी स्पिरिट थी। सब यहाँ पे हमारे जो बधाइयों के जो लड़के आए थे, सब यहाँ पे जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पे तालीम ही नहीं थी। मैं 54 में मेरी पोस्टिंग हुई थी आर्टिफिशियल रेनफॉल की, तो नौशेरा मेरे मैं गया था वहाँ, क्या नाम है, काबुल दरिया जो बहता है उसके सामने, उसके उस पार किनारे पे एक गांव था गल्ला डेर। तो वहाँ पे कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता था, कोई उर्दू नहीं बोलना जानता था। तो एक फौजी आया हुआ था, वो उर्दू जानता था, क्योंकि वहाँ पे कत्ल हो गया था। तो मुझे नौशेरा बुलाया गया था, उसकी तफसील बताएं। तो मैं गया था, तो उसके साथ में गया था उस एक फौजी के। यहाँ पे उर्दू वगैरह कोई भी नहीं जानता था, सब पश्तो यही पंजाबी बोलते थे। बहुत दिक्कत थी यहाँ पे, था अब इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं पंजाब वाले। पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, मेहनत के जज्बे से रहें। यहाँ पर बहुत बर्बादी हुई है, बहुत जो पंजाब कुर्बानी पंजाब ने दी है, मैं ये बताऊँगा। हमें तो नहीं मालूम कराची हमारे मुल्क में कोई कुर्बानी हुई दी हुई हो कुछ हो, पंजाबी पंजाब में हुई है सारी कुर्बानी।